इंडियन डॉग्स बहुत थैंकफुल होते हैं, अगर आप उनको ले आते हैं तो बड़ा आपका एहसान मान के रहते हैं। आप इतने पॉपुलर कॉमेडियन हैं, आपका एक स्टैंडर्ड है, तो फिर देसी कुत्ते। अरे हम भी तो देसी हैं, क्योंकि इंडियन डॉग से बढ़िया कोई डॉग नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डॉग बहुत, एक तो हमारे मौसम के हिसाब से ढले हुए हैं, इनके लिए कोई आपको अलग से एसी पंखे की जरूरत नहीं है। आप इनको एसी में सुला लो, ये एसी में सो जाएंगे। आप इन्हें पंखे में लेटा दो, पंखे में लेट जाएंगे। पंखा नहीं भी होगा तो इनका कोई नखरा नहीं है कि हाँ हमारी तबीयत खराब हो गई, कि हमें कुछ बर्फ में लिटाओ, कुछ करो, कोई चक्कर नहीं है। जैसा है सब बढ़िया है, मस्त है, जमीन पे बैठे जमीन पे बैठे हैं। बिस्तर में लेटा लो, बिस्तर में लेट जाएंगे। आप इनको ये तय कर दो बिस्तर में नहीं लेटना है तो बिस्तर में नहीं जाएंगे, आप बता दो किचन में नहीं जाना है वो नहीं जाएंगे। ये बहुत थैंकफुल होते हैं, इनको ये पता होता है कि सड़क पे अगर ये रहे तो इनका मरना लगभग निश्चित है। एक कोई भी लिटर अगर सड़क पे फीमेल डॉग देती है, जैसे अभी हमारे पिछले दिनों गली में हुआ, उसने डॉग्स ने डॉग ने पपीज दिए, और थोड़े दिन के बाद वो पपीज को जो है कोई टेम्पो के नीचे आ गया, कोई किसी चीज के नीचे आ गया। तो इनको जब कोई घर में लेकर के आ जाता है ना तो ये बड़े खुश हो जाते हैं, ये बहुत थैंकफुल रहते हैं। अब आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ बैठे हुए हैं आराम से, ये बैठा है अल्फा, ये रही बीटा। मैं अल्फा को लेने गया था, मुझे एक ही डॉग चाहिए था, अब ऑब्वियसली आपके पास एक डॉग है तो सोचा एक फीमेल है एक मेल ले आता हूँ, दो हो जाएंगे घर में। तो मैं लेने गया तो इसके साथ साथ कल्लो भाग के आई, उसने मुझे ऐसे करके देखा, और फिर मुझे मन नहीं हुआ कि इन्हें अलग किया जाए, तो मैंने दोनों को गाड़ी में डाल लिया। मजे की बात, वहां बिल्डिंग का जो गार्ड था वो भी इनको आधी रोटी अपने में से देता था, वो गार्ड रोया इनके आते के समय, और वहां बाकी मुझे सब लगा आप लोग कहने लगे बड़े। हो कि गार्ड ने मुझे ऐसे करके देखा, मैं उसे भी ले आया। नहीं, वो इतना ज्यादा दिल मेरा बड़ा नहीं है। क्या एज थी जब आपने अडॉप्ट किया इनको? ये 3 महीने के थे, तो पलावा नाम की जगह है मुंबई में, ठाणे में, वहां पर मैं गया था। तो वहां एक बहुत अच्छा डॉग्स के रेस्क्यू का बहुत अच्छा काम करते हैं सुप्रीत सिंह, उन्होंने फोटो पोस्ट की हुई थी इन दोनों की। तो वो पूरी सोसाइटी, मैं बताऊं आपको रॉबिन जी, ऐसी है कि उसमें कुछ 40-50 कुत्ते रहते हैं, और सब सारी सोसाइटी में लोग जो है वो डॉग लवर्स हैं मोस्टली। डॉग्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनका इमोशनल इंटेलिजेंस मेरे ख्याल से हम लोगों से ज्यादा होता है, आपको तो जानकारी होगी। तो दे आर वेरी थैंकफुल, घर में कोई भी आ जाए, अगर बाहर से कोई भी आके वहां सो रहा है ड्राइंग रूम में, तो ये दोनों अंदर मेरे पास एसी में नहीं सोते हैं। बड़ा मजा आता है एसी में सोने में, मगर नहीं सोएंगे, कोई आ गया तो फिर उसके सर पे ही सोएंगे, एक सोफे के उस कोने पे, एक उस कोने पे, कि वो हमारी नजर में रहना चाहिए आदमी। फिर अब वो वहां से उठ के पेशाब भी गया तो भौंकेंगे कि आदमी जा रहा है, इसकी मूवमेंट हो रही है।